Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil mursalin ve khatemen nebiyyin Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Amma ba'd, a'uzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lana illa ma 'allamtana. İnneke entel alimul hakim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li amri ve ahlul ukdatan min lisani yefkahu kavli. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh. Aaj hum padhenge ye jo ism ki chauthi property hai wuf'at. Isse pehle hum padh chuke hain i'rab एंड दूसरी पढ़ चुके हैं जिन्स एंड तीसरी आदत एंड चौथी है वुसअत। वुसअत जैसा कि नाम से जाहिर है कि इससे जाहिर होता है कि ये इस्म का दायरा कितना वसी है। तो इसके हिसाब से दो किस्में हैं, एक को इस्म को कहते हैं नकरा, एक को कहते हैं मारफा। यानी या तो इस्म नकरा होगा या मारफा होगा। जैसे ये है बैतुन, अब बैतुन का मतलब है ए हाउस, एक घर। ये एक घर अब कोई भी घर हो सकता है ये जो है, तो इस वजह से ये नकरा का जो दायरा है ये बहुत वसी है। जैसे है मस्जिदुन, मस्जिदुन कोई भी मस्जिद हो सकती है इसमें अब जो है, या मुस्लिमुन। मुस्लिमुन कोई मुसलमान भी हो सकता है जो है। तो बात यह है कि हम ये कैसे पता चले भी कौन सा नकरा है कौन सा मारफा है, क्योंकि जब हम कुराने, हमारा असल में जो आइडिया है, हमारा टारगेट है, वो तो हमने कुराने पाक को समझना है कि जब हम कुराने पाक पढ़ें हमें कैसे पता चले कि ये नकरा है ये मारफा है। तो नकरा के लिए इसमें ये है कि ग्रामर के हिसाब से उन्होंने बड़ी बात आसानी इस तरह कर दी कि तमाम इस्मों को हम नकरा समझेंगे। नकरा समझेंगे जब तक कि कोई मारफा साबित ना हो जाए। अगर कोई साबित हो जाए मारफा, वो मारफा होगा, बाकी सारे नकरा होंगे। तो इसलिए हमें सिर्फ जो मारफा हैं उनकी इकफाम पढ़नी है। अगर हम मारफा की इकफाम पढ़ लेंगे, उनकी कौन सी टाइप है मारफा की, अगर वो पढ़ लेंगे तो उसके हिसाब से हम पहचान सकते हैं जो है। तो इनकी जो ये मैंने यहाँ लिखी हैं सात मुख्तलिफ टाइप हैं इसमें मारफा की। अगर हमें ये फात का पता चलेगा तो इनको हम मारफा कह देंगे। तो सबसे पहली किस्म है इसकी इसमें अलम। इसमें अलम जो है, इसमें अलम है नाम, किसी खास शख्स का नाम, किसी खास जगह का नाम, किसी खास चीज का नाम। जो नाम है खास चीज के, जैसे खालिदुन, फातिमा तु, मक्का तु, जहन्नम। अब खालिदुन जो है ये मुनफरिफ है, इसके अखीर पे तनवीन आ रही है, लेकिन फातिमा तु, मक्का तु, जहन्नम जो है ये गैर मुनफरिफ हैं, इनके अखीर में तनवीन नहीं आ रही जो है। तो इसके बाद है अस्माए ज़मीर, जिसको प्रोनाउन भी कहते हैं, अस्माए ज़मीर, जैसे उर्दू में हम इस्तेमाल करते हैं कि असलम ने खाना खाया, वो मस्जिद में चला गया। अब पहले तो हमने बात की कि असलम ने खाना खाया, वो उसके लिए इस्तेमाल किया है, तो वो जो है इसमें ज़मीर है। तो अरबी में भी जो है हुआ, हिया, ये वो के लिए इस्तेमाल होता है मुज़क्कर मुअन्नस के लिए। अंता अंती जो है ये तुम के लिए इस्तेमाल होता है मुज़क्कर मुअन्नस के लिए। अब तीसरी कैटेगरी है इस्माए इशारा।
جن سے ہم اشارہ کرتے ہیں، جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں یہ وہ، قریب کی چیز کو یہ کہتے ہیں، دور کی چیز کو وہ کہتے ہیں، تو اسی طرح عربی میں بھی ہاذا ہاذہی ذالک تلک۔ اس کے بعد ہے اسماء موصولہ ہیں۔ اسماء موصولہ اصل میں ہوتے ہیں کہ جو جیسے اردو کے اندر ہم جو، جس، اس کے معنی میں استعمال کرتے ہیں، جو، جس، اس میں موصولہ، تاکہ ایک فقرے کا ایک حصہ دوسرے حصہ کی تفصیل بتاتا ہے۔ تو عربی کے اندر قرآن پاک آپ جب پڑھتے ہیں لفظ الذی، الذین، یہ بہت استعمال ہوئے ہیں، یہ الذی اور الذین جو ہے، جیسے الذی کا مطلب ہے جو کہ، جو کہ، الذی استعمال ہوتا ہے واحد کے لیے، الذین استعمال ہوتا ہے جمع کے لیے۔ اس کے بعد ہے منادا۔ منادا کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم کسی کو آواز دیتے ہیں، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں اے لڑکے۔ اب اے کا لفظ جو ہم نے استعمال کیا اس کو بلانے کے لیے کیا، تو اے کا جو لفظ ہے تو یہ بلانے کے لیے ہے، لڑکے جو ہے منادا ہے کہ جس کو بلایا جا رہا ہے۔ تو جب کسی ہم خاص بندے کو بلاتے ہیں تو وہ معرفہ بن جاتا ہے۔ تو اس کی مثال یہ ہے کہ عربی میں اگر ٹرانسلیشن کریں گے تو یہ ہوگا یا والدو۔ اب جو والدو ہے، یہ جو اسم جس کو بلایا جا رہا ہے، اس کو گرامر میں کہتے ہیں منادا، جس کو بلایا جائے، اور یا کو کہتے ہیں حرف ندا۔ حرف ندا یعنی بلانے والے الفاظ ہیں یہ جو ہیں۔ تو ان میں یہ جس کو بلایا جاتا ہے منادا، تو اس کی وجہ سے یا راجولو، او مرد، یا والدو، او لڑکے، تو یہ بھی معرفہ میں آتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے مضاف۔ جو مضاف ہے یہ اصل میں استعمال ہوتا ہے مرکب اضافی میں۔ جب مرکب اضافی ہوتا ہے، مرکب اضافی وہ ہوتا ہے کہ جس میں کسی کی ملکیت ظاہر کی جاتی ہے۔ جب کوئی ملکیت کسی چیز کی ظاہر کی جائے تو اس کی وجہ سے اس کے اندر جو ہے، جو جس کی ملکیت ظاہر کی جاتی جس چیز کے اوپر، وہ معرفہ بن جاتی ہے۔ جیسے یہ ہے، اب یہ لفظ ہے کتابن۔ اب کتابن کا مطلب ہے ایک کتاب، کوئی کتاب بھی ہو سکتی ہے، لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ زید کی کتاب، جب زید کی کتاب ہم نے کہہ دیا تو اس سے یہ خاص کتاب ہو گئی۔ اب اس کی کنسٹرکشن یہ بنے گی، تنوین یہاں سے اترے گی، تو یہ بنے گا کتاب زیدن۔ کتاب زیدن، زید کی کتاب، اگر جس کی ہم ملکیت ظاہر کر رہے ہیں، زید یہاں پہ خود معرفہ ہے، کیونکہ زید تو اس میں علم میں آتا ہے، تو جب یہ معرفہ ہوگا جس کی ملکیت ہے، تو اس کی وجہ سے کتاب بھی معرفہ بن گیا۔ تو جیسے کہتے ہیں کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، اللہ معرفہ ہے تو کتاب بھی معرفہ بن گئی۔ لیکن یہاں پہ اہم بات یہ ہے کہ اگر جس کی ملکیت ہے اگر وہ معرفہ نہیں ہوگا تو کتاب معرفہ نہیں بنے گی۔ لیکن یہ مرکب اضافی، اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو اسماء ضمائر، اسماء اشارہ، اسماء موصولہ، منادا، مرکب اضافی، مضاف، ان کو ہم ڈیٹیل میں بعد میں پڑھیں گے۔ آج صرف آپ نے ان کے نام یاد کر لیں اور ان کے ساتھ یہ چیز ذہن میں رکھ لیں کہ یہ معرفہ ہیں بس۔ تو باقی ان کی جو ڈیٹیل ہے تو وہ انشاءاللہ ہمارے جو آئندہ اسباق آئیں گے ان میں بات کی جائے گی۔ جو ہے
आखिरी बात जो है मुअर्रफ बिल्लाम, जैसे इंग्लिश के अंदर यह है कि हम जब किसी लफ्ज के सामने दी लगा देते हैं, दी से वो प्रॉपर नाउन बन जाता है, जैसे बुक ए बुक, लेकिन अगर दी बुक कह दें तो वो मार्फा प्रॉपर नाउन बन गया। अरबी के अंदर यह है कि किसी भी लफ्ज को जब मार्फा बनाना होता है तो मार्फा बनाने के लिए उसके ऊपर अलिफ लाम लगाते हैं, जैसे किताबुन है, इसको कहते हैं अल किताबू, जब अल किताबू करते हैं तो उससे वो मार्फा हो जाता है। ये मैं गौर वजाहत के साथ यहां बयान करता हूं। किताबुन है लफ्ज एक किताब, अब इसको हम चाहते हैं कि ये मार्फा बन जाए, इसके अंदर ये होगा कि अलिफ लाम का इजाफा करेंगे, जब अलिफ लाम का इजाफा करेंगे तो उसके बाद ये बनेगा अल किताबू, अल किताबू बनेगा। अब इसमें आपने एक तब्दीली यह देखी कि अलिफ लाम लगाने के बाद तनवीन चली गई, कि जो तनवीन और अलिफ लाम जो हैं ये इकट्ठे नहीं आ सकते, किताबुन जो था तनवीन के साथ है किताबुन, लेकिन जब ये अल किताबू बना तनवीन खत्म, अलिफ लाम लग गया उधर जो है। तो असल में ये जो मार्फा बना है, ये मार्फा मार्फा में बनाने के अंदर असल में जो रोल है ना वो इस लाम का है, इसको कहते हैं लामे तारीफ, लामे तारीफ कहते हैं इस लाम को। और उसके बाद जो ये किताब का लफ्ज है इसको कहते हैं मुअर्रफ बिल्लाम, मुअर्रफ बिल्लाम, यानी लाम इसके अंदर है लाम तारीफ, और जो भी इसके बाद इसम आएगा उसको कहेंगे मुअर्रफ बिल्लाम। अब इसके अंदर यह है कि जो अलिफ है ये, इस अलिफ को हम कहते हैं हमजातुल वसल, हमजातुल वसल का मतलब यह होता है कि अगर तो यहां से हम शुरू करेंगे, जैसे अल अब इसको पढ़ना है हमने जो है, अब पढ़ने के लिए हमारा हमने करना यह है कि अलिफ के ऊपर फतहा लगाएंगे, जब फतहा लगाएंगे तो पढ़ा जाएगा अल किताबू, अल किताबू, लेकिन अगर अल किताब के पहले और कोई लफ्ज और हो अगर उसको मिला के पढ़ेंगे फिर अलिफ पढ़ने में नहीं आएगा, तो इसलिए इसको कहते हैं हमजातुल वसल। मैं इसकी एक मिसाल देता हूं आपको, अगर ये हो वालिकल किताबू, वालिकल किताबू का लफ्ज सूरत अल बकरा की दूसरी आयत में आया है। अब वालिकल किताबू जब लिखा गया अलिफ के ऊपर कुछ नहीं है, हम काफ को लाम के साथ मला के पढ़ रहे हैं वालिकल किताबू, तो इसका मतलब यह हुआ कि ये जो सुकून है ये लाम के ऊपर है, अलिफ के ऊपर कोई हरकत नहीं है, क्योंकि अलिफ बेसिकली हमजातुल वसल है, अगर तो आगाफ करेंगे तो अल किताबू पढ़ेंगे, अगर मलाके पढ़ेंगे तो वालिकल किताब। तो इस तरह ये सात कैटागरीज हैं मार्फा की, अगर इनमें से हमें कोई भी इसम नजर आएगा तो हम उसको मार्फा कह देंगे, वरना ये है कि उसको हमको कहेंगे कि ये इसम नकरा है, कॉमन नाउन है जो है। तो अहम बात हमने आज जो पढ़ी है वो ये है कि अगर लफ्ज के ऊपर अलिफ लाम उसके शुरू में आ जाए तो अखीर में तनवीन खत्म हो जाती है। इसमें थोड़ा सा एक और अहम रूल है, मैं उसकी वजाहत करना चाहता हूं, क्योंकि जैसे ये है मसाजिदू, ये मस्जिद उनका
जमा मुकफ़र है, ब्रोकन प्लूरल बनता है। रफा की हालत में है मफाजिदू। लेकिन अगर हम नसब को बनाएं जो है मफाजिदा, और अगर जर हो तो जर के अंदर है मफाजिदा नफब और जर में आता है जो है। लेकिन अगर हम चाहें कि हम इसको प्रॉपर नाउन बना दें, अब प्रॉपर नाउन बनाएंगे तो ये बनेगा अल मफाजिदू। अल मफाजिदू, और जब नफब बनाएंगे उसके लिए अल मफाजिदा बनेगा जो है। लेकिन जब जर बनेगा, जर के अंदर अल मफाजिदी, जीदी बनेगा। यह फर्क है कि जब मफाजिदू कॉमन नाउन होता है, नकरा होता है, मफाजिदू मफाजिदा मफाजिदा। लेकिन जब ये आता है इसको मारफा बना दें तो फिर अल मफाजिदू अल मफाजिदा अल मफाजिदी आता है जर के अंदर जो है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे कि हरूफ शम्फी एंड हरूफ कमरी। सुभानक اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك।